हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कमोडिटीज़ की इवनिंग अपडेट्स। आगे की रणनीति के ऊपर बात करने से पहले हमने आज सुबह क्या रणनीति बनाई थी, एक उसका ओवरव्यू कर लें, फिर आज अभी इवनिंग की बात करते हैं। क्रूड को बेचने का था 4150 तक, 4145 और 4150 तक, 4115 और 4080 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। 4082 का लो पोस्ट कर चुका है, समझ लीजिए टारगेट अचीव हो गए हैं। अभी चल रहा है 4094 के आसपास। मेरा ये सजेशन है 90 के आसपास भी पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मस्त 6000 रुपये आ रहे हैं। कल जितना भी लॉस हुआ है, कल जितना भी पैसा आप लोगों का टूटा है, वो सब की भरपाई हो चुकी है, इनफैक्ट प्रॉफिट में आ गए हैं। बात करते हैं क्रूड अभी मैं, अगर आप अभी क्रूड में कुछ भी मत करिए, वेट करिए कल तक का। कल इन्वेंट्री, आज इन्वेंट्री का डेटा नहीं है, कल इन्वेंट्री है, कल के बाद देखेंगे क्या करना है। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस अभी चल रही है 136। मैंने 136.50 तक आप लोगों को सेल करने कहा था, 137.10 का स्टॉप लॉस, 60 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने कहा था। स्टॉप बराबर 137.10 का हाई पोस्ट किया है, अभी चल रही है 136.10 के आसपास बेच सकते हैं इसको। 137.20 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और अगर मेरे कोई भाई लोग जो इसका लंबा स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 140 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। टारगेट नीचे एक्सपेक्ट करके चलिए 130.50 के, यानी यहाँ से 6-6.5 रुपये की टूटत मिनिमम मिल सकती है। और जो इंट्राडे में पोजीशन काटना चाहते हैं या फिर जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो 137.20 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और बने रहिए 130.50 रुपये तक के लिए। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड आप लोगों को मैंने जो कल बाय करवाया था 800 रुपये तक, उसका प्रॉफिट बुक करने कहा था 915 के बीच में। आशा करता हूँ आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी उसका 974 का हाई पोस्ट हुआ है और आज का सुबह का लो है 1739.752 का। गोल्ड में अभी कुछ भी मत करिए, बाज़ार 100 पॉइंट नीचे जाएगा वापस यहीं आ जाएगा, बाज़ार 100 पॉइंट ऊपर जाएगा वापस यहीं आ जाएगा, इसी तरह का बाज़ार लग रहा है कल तक। सिल्वर बात करते हैं, सिल्वर की। सिल्वर को सुबह आप लोगों को कहा था 300 तक, 250 से 350 तक बेचिएगा, 150 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, और नीचे लोअर लेवल में अगर खसकता है बाजार तो 45,600 तक के टारगेट आप लोगों को अपडेट किए थे, 45,600 तक। बाजार 375 के आसपास का इसने हाई पोस्ट किया था, और वहाँ 275 के आसपास का हाई पोस्ट किया था, और 150 का अपना टारगेट पहला अचीव कर चुका है, वापस से 300 के आसपास आया है। अभी 317 का अभी इसने रिसेंट हाई पोस्ट किया है। अगर आप लोगों को ये 350 के आसपास इसको चाहें तो बेच सकते हैं। 451 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 350 से 450, यानी कि आपको 100 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से 150 और 45,600 तक के। जब तक वो 451 के नीचे नहीं, ऊपर नहीं जा रहा है, तब तक ये बेरिस्ट ने थोड़ा सा लोअर साइड में ही इसके मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ये अभी हमारी हो गई क्रूड ऑयल की चर्चा, ये हो गई गोल्ड नेचुरल गैस की चर्चा, गोल्ड की चर्चा, सिल्वर की चर्चा। गोल्ड जब तक 800 के ऊपर ट्रेड करा रहा है तब तक वो 40,050 रुपये तक जा सकता है, वरना ऐसी कोई बड़ी भारी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके पैसा बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।